गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बहुत ठंडा है और रात में बहुत बारिश आया है, देखिए। तो कितना बारिश आया है और वेदर बहुत ठंडा है आज का। तो अभी चाय बना लेती हूँ। को भी क्लास के लिए जाना है तो मैं चाय बना लेती हूँ मेरे लिए और पीटू के लिए। मैं और पीटू चाय पियेंगे और सोम कॉफ़ी पिएगा। तो दूध गर्म कर लेती हूँ, यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। मैं और पीटू चाय पियेंगे। आज मैंने चाय कॉफी मंगवाई है। चाय पत्ती का फ्लेवर मुझसे पूछिए, हर एक तरह का चाय पत्ती मैं ट्राई कर चुकी हूँ। ये बहुत अच्छा रहता है ताजमहल। देखो कॉफी पिटू, मामा कॉफी होई ना छे बोल। हम रोज लेके आते ना वो ठेर ही नहीं। कह रहे हो सामने चले रहे जा और नहीं करो रहे करो ताले देखिस के ना। अरे ऑन कर बो की जगह कर करे हो दर्द नहीं नाटक तो ये स्टार्ट कर लो। अरे सत्य बोल जी दादा রাস্তা তো আমি দেখাই না, দেখেন দিকে শর্টকাট, দেখেন দিকে ওরা কি দেবে। आज मैं बनाऊंगी पोच करी और आप लोग में से बहुत लोग मुझे पोच करी का रेसिपी पूछे थे तो इसलिए मैं पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ। इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल, ये गरम होने देते। अब इसमें डालेंगे गोटा गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी। अभी इसमें डाल देंगे प्याज और उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। पिट्टू तो ये जल्दी करे ने। गरम मसाला डालने के बाद, गोटा गरम मसाला डालने के बाद इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं दो अंडे का बना रही हूँ तो एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट
एक चम्मच की अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक, सॉल्ट डालना है, मैं एक चम्मच डाल रही हूँ, आप लोग टेस्ट के हिसाब से डालिए। इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर और एक बड़ा चम्मच मिर्ची का पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, मैं एक टमाटर कट करके रखी थी, ये एक टमाटर मैंने कट करके रखा था, वो डाल देंगे। इसमें मैंने एक टमाटर डाला है, वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा फ्राई करते हैं। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है तो इसमें डालेंगे, मैं डाल रही हूँ एवरेस्ट का चिकन मसाला, तो ये करीब आधा चम्मच बस। अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। अब ये हो गया है फ्राई, तो इसमें डालेंगे एक कप पानी बस, इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट एक कप पानी। पानी डालने के बाद इसको ढक के थोड़ी देर बॉईल होने रखेंगे, तो इसको अभी ढक देते हैं, थोड़ी देर बॉईल होने देंगे, इसके ढक देते हैं। अब ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, अभी इसमें अंडा डालेंगे और एक, धीरे से डालिएगा नहीं तो ये फट जाएगा। अभी ऐसे डाल के गैस को कर देना है पूरा लो फ्लेम में और ढक देना। ढक लेते हैं, ये देखिए, ये जो ऊपर का येलो वाला होता है वो अगर अच्छी तरह से पक गया तो समझिए एक पोच करी रेडी। ये देखिए ऐसा सिंगल सिंगल पोच पक जाएगा ऐसा, जितना सिंपल रेसिपी उतना टेस्टी खाने में। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। ये देखिए एक पोच करी रेडी है, ये अच्छी तरह से बॉइल्ड हो गया है। ज़्यादा पानी पानी मत रखिएगा, थोड़ा ड्राई रखिएगा। आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। बाय पिटू। ये देखिए कितना बारिश हुआ है, पूरा साइक्लोनिक वेदर है, इसलिए बाय पिटू। फेवरेट डोसा आया है और वो डोसा हम लोग भी खाएंगे। ये विट्ठल का फेवरेट डोसा है, हेमंत डोसा। आप लोग को मैं और एक बार दिखाई थी, ये वाला विट्ठल खा रहा था,
अभी और हम लोग आज संडे है इसलिए मैं भी मैं कुछ नहीं बनाऊंगी नाश्ते कोटा छे इधर सेम कोटा ही नहीं छे चटे वो दोनों हमारे एक एक सेम ही ना सेम सेम बटर मसाला ये वाला डोसा बहुत फेमस है हम लोग दूजन का ये टबिट चल के ना रात में हम लोग आके पूरा क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहे हैं देखिए यहाँ पे है हमारा मोटू सैंटा और ये है हम लोगों का क्रिसमस ट्री हमारा योगा सेंटर का क्रिसमस ट्री मैं सोम और विठ्ठल हम लोग तीनों आके क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं कैसा लग रहा है आप लोग बताइए हमारा क्रिसमस ट्री धीरे धीरे करो और यहाँ पे हम गाना सुन सुन के क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहे हैं टुनाइट और साथ में यहाँ पे जो फिश है वो भी एंजॉय कर रहा है सांता का गाना क्रिसमस का गाना The stocking, I may be rushing things, but deck the halls again now. For we need a Christmas. ये लोग भी डांस कर रहे हैं देखो हमारे साथ ये लोग भी डांस कर रहे हैं यहाँ पे ये भी डांस कर रहे हैं
ये छोटा छोटा सांता है। छोटे बॉल्स गिफ्ट का पैकेट एंजल्स আরেক নারায়ণ অবতারের জন্ম জিসাস ক্রাইস্ট। तो आज का मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं घर आ गई। तो मैं घर आ गई और आज का जो भी मेरा काम था हो गया। और क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस का सेलिब्रेशन का तैयारी हमने पूरा कर लिया हमारे सेंटर में ही। और क्रिसमस ट्री कितनी अच्छी तरह से हमने सजाया है आप लोगों ने देखा होगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही और फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए मॉर्निंग के साथ। बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।